तालतला का सैर कराऊंगा और मैं सेंट्रल गेट नंबर 5 मेट्रो से दाखिल हो रहा हूँ, और अगर परमिशन मिला थोड़ा सा आपको क्लिपिंग दिखाऊंगा, वरना आउटसाइड कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आई थिंक कैलकटा इज़ द नॉइजीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इट इज़ सो डेफिनिंग साउंड अनइमेजिनेबल। आई थिंक कलकत्ता का सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो है वो साउंड है, नॉइज, ट्रैफिक नॉइज। देखिए ये कलकत्ता मेट्रो कितना ब्यूटीफुल है, इट इज़ अनइमेजिनेबल। देखिए एक ऑर्डिनरी स्टेशन है कलकत्ता मेट्रो, आपने दिल्ली का भी देखा, और यहाँ देखिए आप किसी भी स्टेशन में मेट्रो में उतरेंगे तो आपको सीन बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा इस तरह का। तो ये देखिए मैं टिकट के लाइन में खड़ा हो रहा हूँ, इस प्लेनेट का टिकट कटाऊँगा, देखता हूँ कितने कि मैं टिकट के लाइन में हूँ अभी और आगे बढ़ता हूँ। सो आई एम हेडिंग फॉर स्प्लेनेट एंड फ्रॉम देयर टू मुस्लिम इंस्टीट्यूट तालतला, और वहाँ मैं आपको अगर वक्त मिला तो तफसील से दिखाऊँगा। टाइम चीप, मतलब ये आप सोच भी नहीं सकते कि अभी भी यहाँ 5 रुपये का टिकट है। स्प्लेंडर के लिए मैंने टिकट लिया है एंड ओनली रुपीज़ फाइव। बस का टिकट भी काफ़ी कम है, काफ़ी माकूल है, 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 12 रुपये। वो देखिए कितना खूबसूरत है, फुल्ली एयर कंडीशन और बिलो, मतलब जो सही मानों में मेट्रो है ये बिल्कुल ज़मीन से के नीचे है। और यहाँ से मैं एस्प्लेनेड के लिए हेड करूँगा। ये देखिए यहाँ पे टीवी चल रही है, आप यहाँ इंतज़ार कर सकते हैं। जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ वेटिंग आप करते रहें, वेटिंग करें हो और फिल्म भी देखें। और फुल्ली एसी है, यू नेवर फील बोर्ड। ट्रेन बोर्ड कर रहा हूँ एस्प्लेनेड के लिए, एट एस्प्लेनेड को उतरा। ये देखिए फैंसी ट्रेन से मैं आया जो अब जा रही है, और अंदर का मंजर देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अब मैं बाहर निकल कर फिर आपको दिखा लीजिए, साफ बाहर हो गया। ये है एस्प्लेनेड, आई हैव कम आउट ऑफ दिस गेट एस्प्लेनेड, और आप देखिए आई एम हेडिंग फॉर न्यू मार्केट एरिया। ये अमीनिया होटल, और अब मैं सीधे जा रहा हूँ न्यू मार्केट एरिया है। ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, और मेरे पीछे एलेक्स सिनेमा। और ये एक दिन बुखार की वजह से आवाज़ पर इतनी असर आ गई है, और ये साउंड की वजह से तो मैं पजल हो जा रहा हूँ। इतना नॉइज़, एवरी सिटी, एवरी लेन, एवरी रोड, एवरी स्ट्रीट इज सो नॉइज़ी कि मैं क्या कहूँ, मैं भूल जा रहा हूँ। इतना नॉइजी सिटी है, एवरी लेन में नॉइज़, आप देखिए। कुछ सुनने या कहने में नहीं बनता, माइंड इज पजल्ड, सो पजल्ड बिकॉज ऑफ द साउंड, ह्यूमिडिटी एंड हीट। मौसम बिट क्लाउडी है मगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और नॉइज तो आप अनबेरेबल, यू विल बीटिंग बैक बाई सम नॉइज। बाहर निकलेंगे साउंड है, मेरे ख्याल में काफ़ी समय लगेगा अगर यहाँ, इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम टू गेट यूज टू नॉइज। अभी मैं सीधे जा रहा हूँ, नहीं आप जो रेड ब्रिक्स बिल्डिंग देख रही है न्यू मार्केट है। फर्स्ट लेफ्ट में ये जो सड़क गई है आप देखें, यहाँ पे सोसाइटी सिनेमा, ये बहुत पुराना सिनेमा हॉल है, और इधर न्यू मार्केट एरिया, ये कॉर्पोरेशन बिल्डिंग एंड आई एम हेडिंग बड़ा। ये न्यू मार्केट SS हॉक मार्केट, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और ये बहुत ही मशहूर जगह, बहुत पुरानी। और यहाँ का जो लुक है वो लंदन का लुक है, जो पुराना लंदन है। और यहाँ आकर वाकई आपको महसूस होगा कि चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और ये देखिए लको दक रेड ब्रिक बिल्डिंग्स हैं। एक अब ये सोनी टी शॉप, अब ये बता दूँ ये बहुत पुरानी दुकान है, बहुत पुरानी, जहाँ टोस्ट और चाय मिलते हैं, बहुत पुरानी दुकान है। मैं सोचता हूँ अंदर जाकर एक कप चाय ले लूँ। अब ये देखिए ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, रेड ब्रिक्स बिल्डिंग। मैं न्यू मार्केट को क्रॉस कर रहा हूँ, ये हॉक मार्केट है, ये भी बहुत मशहूर मार्केट है। और देखिए हर तरफ का सीन, हर तरफ की बिल्डिंग है एक तरह की, कितनी खूबसूरत है, सड़कें कितनी चौड़ी हैं। ये देखिए इसके सामने भी मैं खड़ा हूँ, ये भी रेड ब्रिक है, बहुत ब्यूटीफुल।
और ये जो टोस्ट चाय की दुकान है बहुत पुरानी दुकानों में से एक बहुत पुरानी दुकान है। ओ सो आई विश यू, मैं सोचता हूँ एक कप चाय ले लूँ यहाँ जाकर। कलकत्ते में चाय जो है ना हमेशा कप सॉसर प्याली तश्तरी में देने का रवाज है। आपने दिल्ली में देखा होगा कि यूँ भाड़ में और इस तरह से नहीं, आप किसी भी दुकान में जाएँ या तो आपको ग्लास में चाय मिलेगी या फिर वो कप और तश्तरी में देंगे, बाकायदा आपको एक ग्लास पानी देंगे तश्तरी। और चाय की कीमत 6 रुपये ओनली 6, और वो भी न्यू मार्केट एरिया में है कलकत्ते का। कलकत्ते में आपको प्राइसेस बहुत नॉमिनल मिलेंगे हर जगह। देखिए आज की तारीख में रेट देखिए, चाय 6 रुपये, बटर टोस्ट 6 रुपये, प्लेन ब्रेड से हटकर मैं आता हूँ सीधा छोटी की 10 रुपये, केक 6 रुपये, और आप रेट का अंदाज़ा लगा लें दिल्ली और कलकत्ते में कितना फ़र्क है। यानी आप 12 रुपये में नाश्ता कर सकते हैं। और मैं ये देखिए छोटा खीर है और ये बड़ा खीर कितना बड़ा है, 20 रुपये, और ये 10 रुपीज़। और आप देखिए SS हॉग मार्केट, ये कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मार्केट, और ये मार्केट का सैर मैं कभी आपको स्पेसिफिकली दिखाऊंगा अलग से, पर अभी तो मैं आपको तालकला की तरफ ले चल रहा हूँ। और ये देखिए मैं सीधे चल रहा हूँ, अब ये बिल्डिंग को वो गौर कीजिए। अब यहाँ से कुछ लुक एंड फील में फ़र्क आ गया डिज़ाइन का। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट ब्रिक बिल्डिंग, रेड ब्रिक बिल्डिंग, और ये पीछे आपको दिखाया था ये न्यू मार्केट का पीछे रेड ब्रिक बिल्डिंग। और यहाँ से मैं घूमते हुए ये सीधा स्ट्रेट दूर आपको एक मस्जिद पे दिख रही होगी। दिखाता हूँ ये एंड ऑफ इट। और अब मैं सीधे जा रहा हूँ स्ट्रेट, अब मैं मस्जिद के पास। अब ये देखिए ये मस्जिद है टूवर्ड्स रिपन स्ट्रीट, अब मैं रिपन स्ट्रीट की तरफ चल रहा हूँ। अब ये मिर्जा गालिब स्ट्रीट है, मैं सीधे आगे जी रोड जो ये रोड को मैंने क्रॉस किया, और ये मिर्जा गालिब स्ट्रीट है, बहुत मशहूर है, बहुत ही मशहूर है। अब ये इधर देखिए राइट साइड, और फिर मैं अगर राइट में मुड़ा अब इस सड़क पर मैं चल पड़ता हूँ तालतला के लिए। अब ये दिस इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, मार्केट स्ट्रीट कोलकाता, मार्केट स्ट्रीट। ये सामने देखिए सेंट थॉमस स्कूल, कितना अजीमुशान बिल्डिंग है सेंट थॉमस स्कूल, ये सेंट थॉमस स्कूल है। और मैं करीब से भी आपको इसकी क्लिपिंग, कलकत्ता में अभी भी तमचीन के प्लेट्स और बर्तनें मिलती हैं, यानी पुरानी रवायतें यहाँ अभी भी कुछ कुछ नज़र आती हैं। देखिए अब तो तामचीन के बर्तनों का रवाज ख़त्म हो गया है, देखिए तामचीन के वो हैं प्लेट्स हैं, प्याले हैं, सेनियाँ हैं दिगर साइज़ की। चलिए मैं रेट पता करता हूँ, ये कितने का है ये प्लेट, पीस का हिसाब 45, 50 और 40 का, और ये छोटा जो है ये 30 का है। तो आप कुछ लोग तो मैं समझता हूँ जो पुराने ज़माने के जो पहले की याद के लिए भी इसे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में तामचीन की चीज़ें बहुत चलती थी, अब तो बहुत ही खाल खाल देखने को मिलता है। यहाँ से आकर मैं लिफ्ट मुड़ा तालतला के लिए, मैं हाईलाइट्स दिखाऊंगा आपको, अब ये ज़्यादा डिटेल में डच करने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं लेफ़्ट मुड़कर अब सीधे जा रहा हूँ। देखिए मैं रफ़ी अहमद सदवाई रोड पे हूँ यहाँ, और ये सामने मुस्लिम इंस्टीट्यूट, और ये कैथेड्रल है, बहुत बड़ा चर्च है, कदीमी चर्च शायद ये सेंट पॉल कैथेड्रल है। और ये सामने ट्राम आ गई है, नॉइज़ की वजह से थॉट प्रोसेस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। ये देखिए सेंट पॉल कैथेड्रल कितना ग्रैंड डॉयज स्ट्रक्चर है, और मैं अब रास्ता पार कर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, ये कोई पढ़ाई लिखाई के इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसमें जिम्स हैं, लाइब्रेरी है, बिलियर्ड रूम है, कार्ड रूम है, और मैगजीन है,
हॉल्स हैं, किस तरह का है इसमें, क्योंकि अब आई कॉन्ट टेक यू इनसाइड बिकॉज आई मीन हरी, पर बाहर बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कलकत्ता का बहुत ही कदीम और मशहूर इदारा है, पर एक प्रॉब्लम यह नज़र आती है कि ये डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं लिखते, जबकि ऐसे इदारों में डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट लिखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराने इदारे हैं ब्रिटिश पीरियड के दौरान इसका शायद तामीर हुआ। जो है ठीक मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सामने है, ये भी बहुत अजीम शान गैंगोइड स्ट्रक्चर।